देखिए पहली बात तो ये कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज अब्दुल कादर हसन साहब हमारे साथ हैं। मुझे याद है एक सेमीफाइनल में इन्होंने पता नहीं आखिरी ओवर में छक्का मारा था, वो पता नहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम थी मेरे ख्याल है कोई, और वो हम देख रहे थे और इनको फिर कंधों पे उठाना और वो ले गए और वो सारा कुछ हमारे दौर के यानी कमाल। ये जब इनका मुझे बड़ा स्टाइल बड़ा पसंद था, ये घूम घूम के आते थे और घूमती हुई एक बाल कराते थे और वो बड़ा अजीब सा स्टाइल था, बड़ा बॉलर, अच्छा। ग्रेट बॉलर, जबरदस्त। तो दूसरी और हमेशा इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंसान बड़े अच्छे हैं और ये बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। हमेशा से इनको सुना, अच्छी बात करते हैं, खरी बात करते हैं। दूसरी बात है अली साहब की गुफ्तगू जो सुनी है मैंने, उसके बाद मुझे आज के बाद फयाज चौहान मासूम लगने लग गया है, यानी उसको भी हम दे दें कि वो भी जो उसने कहा है आज तक वो ठीक कहा है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि आपने सर्टिफिकेट बांट दिया आपने कि ठोक के रखो, दबा के रखो। ये मसला तालीम का नहीं है, मसला तरबियत का है, ग्रूमिंग का है। आप वहाँ खड़े होते हैं, आप ये तो खैर आपने आप भी माशाल्लाह कोई डेविड गावर या शहजादा चार्ल्स नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही काले थे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने काला कह दिया है तो उसका मतलब आप दूसरी आपकी सोच देखें, पेंडू मार का सोच के माँ का ही तावीज़ चल रहा है इधर भी, यानी उनको अब क्या करें। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि पीर किसी पता नहीं किस दरगाह से आया क्या आया, यानी ये कप्तान है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है, आप अंदाज़ा करें। और वो जिस लहजे में कह रहा है, और एक मिनट मुझे भी देना, एक तो ये एक मरतबा एक मरतबा वो इन्होंने पीएम हाउस में इनको बुलाया तो उन्होंने नात पे लगा दिया इनको, और इन्होंने नात पढ़ी और दाद वसूल की और चलते बने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है ये सारी चीज़ें, अल्लाह आपको और ज़्यादा इश्क रसूल दे, बहुत सारा करे, लेकिन ये ग्रूमिंग, आप टीम को लीड कर रहे हैं, आप मैदान में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आउट नहीं होता तो फिर पीछे से जाके विकटें लेके भाग जाते कि और कहते भैना डर गई कह देते, यानी क्या करना क्या चाहते हैं।